क्या करना है ध्यान से देखो। इसमें कह रहा है कि 4 cm त्रिज्या के वृत्त पर 6 cm त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त खींचिए। सबसे पहले 4 cm का वृत्त खींचना है और उसी केंद्रवा पर 6 cm का वृत्त खींचना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 cm का चाप लाइए, 4 cm के चाप से वो वृत्त खींचेगा, केंद्र हो गया। फिर 6 cm का चाप ले लो, ठीक ना, इसी केंद्र पे रखो और कहीं नहीं, केंद्र यही होगा। सकेंद्रीय का मतलब एक ही केंद्र हो। 4 cm त्रिज्या ले लिया तो यहां से रख के एक वृत्त 4 cm का खींचा। फिर अब 6 cm ले लो, इसी केंद्र पर प्रकाल की नोक लगाओगे तो बाहर से ऐसे एक वृत्त आएगा, आएगा ना, इस त्रिज्या को क्या करेगा, मिला देगा। इसे मान लो ओ, इसे मान लो पी। क्या किया, सबसे पहले 4 cm का वृत्त खींचा है, फिर 6 cm लेके और उसी केंद्र पर रख के फिर एक वृत्त खींचा है, खींचा है ना, इसे मिला दिया। मिला देने के बाद क्या करना है, प्रकाल की नोक यहाँ पी पे रखिए, आप ओ, यो पी रेखाखंड है ना, तो पी पे रखिए और पी से आधा से अधिक करके एक में इधर काटो एक में, फिर यहाँ रखो एक में इधर काटो एक में, इसको मिलाएगा तो काट देगा, वो पी रेखाखंड को काटेगा, इसी पर प्रकाल रख के नोक और यहाँ से मिला के एक वृत्त की ऐसे रचना करना है, हो जाएगा। अब देखना है कि ये जो 4 cm का वृत्त है उसे यहाँ काट दिया और यहाँ काट दिया, तब इंच लगा के इसी को ऐसे क्या कर देगा, मिलाएगा, और इधर से इसको ऐसे मिलाएगा।